Okay, now look at this one. दो concentric charges spherical shells हमारे पास हैं, conducting or non-conducting doesn't matter. पांच points मैंने highlight किए हैं, point number one, point number two, point number three, point number four और point number five. इन पांच points पे हमें देखना है कि potential जो है वो किसके बराबर है, one पे, two पे, three पे, four पे, five पे. इनर स्फीयर जो है उसका रेडियस आर वन है, चार्ज क्यू वन. आउटर स्फीयर रेडियस आर टू, चार्ज क्यू टू. अब जो रिजल्ट इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा वो रिजल्ट हम यूज कर लेंगे. रिमेम्बर आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल जो है, आउटसाइड के लिए पोटेंशियल जो है दैट्स गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर. सरफेस के लिए पोटेंशियल जो है दैट्स गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. और इनसाइड का पोटेंशियल भी यही है, गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, सेम एज दैट ऑन द सरफेस. तो यहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो शेल्स की. तो पॉइंट नंबर वन के लिए, पॉइंट नंबर वन इस शेल के भी बाहर है, इस शेल के भी बाहर है. तो ये शेल भी बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर, और ये शेल भी बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर. रिमेंबर आउटसाइड पॉइंट्स के लिए शेल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज. तो इस शेल का बिहेवियर एज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, तो चार्ज क्यू वन आएगी एट द सेंटर और इसकी चार्ज क्यू टू आएगी एट द सेंटर. सो टोटल चार्ज एट द सेंटर विल बी क्यू वन प्लस क्यू टू. सो पोटेंशियल एट वन विल बी गामा टाइम्स Q1 plus Q2 divided by R. Where R jo hai, that is distance of point 1 from the center. Point 2 ke liye. Same cheez ho gaya, point 2 jo hai, wo outer shell ke surface pe hai. To R ko replace kar lenge by R2. Ye distance jo hai R2 ke barabar hai. So V2 is equal again gamma Q1 plus Q2 divided by R2. या अलग अलग लिखना चाहेंगे तो gamma Q1 divided by R2 plus gamma Q2 divided by R2. पहली टर्म जो है वो इसके वजह से पोटेंशियल है. अब इसके लिए पॉइंट टू तो आउटसाइड है, तो आउटसाइड वाला रिजल्ट यूज होगा. इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर. तो गामा क्यू डिवाइड बाई आर, गामा क्यू क्यू के बदले में क्यू वन, डिवाइडेड बाय आर के बदले में आर टू. और इसके लिए आउटर के लिए ये सरफेस वाला पॉइंट है, तो गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर के बदले में है आर टू. तो ये रहा पॉइंट थ्री के लिए. अब ये डिफरेंट है, ये शेल टू जो है उसका इनर पॉइंट है और शेल वन का आउटर पॉइंट है. तो वी थ्री जो होगा दैट इज इक्वल टू, अब ये शेल जो है, इनर शेल जो है वो बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट नंबर थ्री उसके बाहर है. इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर. तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो होगा गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट थ्री फ्रॉम द सेंटर प्लस. अब पॉइंट थ्री पे पोटेंशियल जो इसके वजह से है, आउटर शेल के वजह से, आउटर शेल के लिए ये इनसाइड वाला पॉइंट है, तो पोटेंशियल विल बी सेम एज दैट ऑन द सरफेस जो ये वाला हमने देखा था. तो गामा Q2 डिवाइडेड बाय R2, R जो है पॉइंट थ्री की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर और R2 इज रेडियस ऑफ द आउटर शेल. पॉइंट फोर, पॉइंट फोर जो है इनर शेल की सरफेस पे है, तो सरफेस वाला रिजल्ट गामा Q डिवाइड बाय कैपिटल R, गामा Q के बदले में Q1, कैपिटल R के बदले में R1 प्लस. अब आउटर शेल के लिए फिर से इनसाइड वाला पॉइंट हुआ, तो इसका तो सेम रहेगा गामा क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू एज दैट ऑन इट्स सरफेस. पॉइंट फाइव जो है वो दोनों के लिए इनसाइड वाला पॉइंट है, तो इस शेल के वजह से, इनर शेल के वजह से पोटेंशियल विल बी गामा क्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आउटर शेल के वजह से होगा गामा क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू. ये शेल वन के वजह से, शेल वन के वजह से सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस, और शेल टू के वजह से सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस, गामा क्यू वन डिवाइड बाय आर वन प्लस गामा क्यू टू डिवाइड बाय आर टू. अब इसमें
पॉइंट नंबर टू जो है दैट इज पोटेंशियल ऑन सरफेस आउटर सरफेस, और पॉइंट फोर जो है दैट इज पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस। तो ये दो स्पेशल पॉइंट्स हैं, इन दो को मैं फिर से अब डील कर लूंगा। अब मैं आपको कंडीशन दूंगा कि व्हाट इफ द टू शेल्स आर कंडक्टिंग, और कंडक्टर में हमें पता है चार्जेस आर फ्री टू मूव। ओके, चार्जेस आर फ्री टू मूव, कंडक्टिंग है। उसके बाद अगर मैं इन दो शेल्स के बीच में ये वायर लगाता हूं तो आई एम प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर चार्ज टू मूव फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल या फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल। सो पाथ एक प्रोवाइड हम कर रहे हैं। इससे पहले चार्ज अगर यहां से यहां मूव करना चाहती लेकिन पाथ नहीं थी तो मूव नहीं कर पाती, यहां से यहां मूव करना चाहती पाथ नहीं थी तो मूव नहीं कर पाती। अब हम पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कनेक्टिंग वायर एक मैंने लगा दी है। अब पाथ की वजह से क्या होगा, ओके, पाथ की वजह से क्या होगा, उससे पहले क्योंकि उसमें वो हमें यूज करना होगा, मैं देखूंगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, रिमेंबर आउटर सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो ये है V2, इनर सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 0.4 वाला है V4। तो V2 और V4 आउटर सरफेस के, आउटर सरफेस पे पोटेंशियल, इनर सरफेस पे पोटेंशियल, अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। ओके, सो ये मैं रेज करता हूं V2 और V4, याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स। बिटवीन टू शेल्स का मतलब होगा बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द टू शेल्स। ओके, बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द टू शेल्स। So delta V मैं लिखूंगा as V4 minus V2, point number 4 का potential minus point number 2 का potential। point number 4 का potential previous slide जो था जो हमने erase किया वहां से अगर आपने note किया है वो है gamma Q1 divided by R1 plus gamma Q2 divided by R2। ये पॉइंट नंबर फोर, इस पे पोटेंशियल माइनस, टू पे आउटर सरफेस पे पोटेंशियल वो है गामा क्यू वन डिवाइडेड बाय आर टू प्लस गामा क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू। इसमें नोट कर लें ये जो पोटेंशियल है ऑन द सरफेस ऑफ द इनर्शियल उसमें ये वाली टर्म जो है वो इनर्शियल की कंट्रीब्यूशन है और ये वाली टर्म जो है वो आउटर शेल की कंट्रीब्यूशन है। ऐसे आउटर शेल पे जो पोटेंशियल में दो टर्म्स हैं उसमें ये वाली टर्म जो है वो इनर्शियल की कंट्रीब्यूशन है और ये वाली टर्म जो है वो आउटर शेल की कंट्रीब्यूशन है। नोट कर लें आउटर शेल की कंट्रीब्यूशन यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है। तो आउटर शेल के वजह से जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर है। तो आउटर शेल के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यू कैन सी दीज टू विल कैंसिल आउट क्योंकि ये नेगेटिव है, प्लस माइनस इज माइनस। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा क्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन माइनस गामा क्यू वन डिवाइडेड बाय आर टू या फिर gamma q1 times 1 by r1 minus 1 by r2 delta v। नोट कर लें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू शेल्स दैट ओनली डिपेंड्स ऑन q1, ओनली ऑन q1, सिर्फ इसकी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इनर शेल की जो चार्ज है उस पे डिपेंड कर रहा है। And obviously R1 and R2 charges के का मैं ले रहा हूं, क्यू वन और क्यू टू का मैं ले रहा हूं, क्यू टू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस में।
आउटर शेल की चार्ज जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस में, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डजंट मैटर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डजंट मैटर, इसकी कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ नहीं है. ओके, नथिंग एट ऑल. ओके, नाउ इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव? ये नोट कर लें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने लिया है वी फोर माइनस वी वन, इनर सरफेस का पोटेंशियल माइनस आउटर सरफेस का पोटेंशियल. अब आर वन जो है, पहले इस वाले को देख लीजिए जो ब्रैकेट्स में है, आर वन जो है दैट इज लेस देन आर टू, आर टू से कम है, तो वन बाय आर वन इज ग्रेटर देन वन बाय आर टू. ओके, आर वन इज लेस देन आर टू, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, R1 is less than R2 implies 1 by R1 is greater than 1 by R2. तो ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है क्योंकि 1 by R1 is greater than 1 by R2. अब अगर, अब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अब अगर इफ Q1 is positive. अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव का मतलब होगा पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होने का मतलब होगा V4 is greater than V2. This implies V4, मैं लिखूंगा V inner is greater than V outer. Four inner point, inner surface का पोटेंशियल है, two outer surface का पोटेंशियल. तो अगर Q1 पॉजिटिव है, रिमेंबर Q2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, Q2 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या जीरो हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ Q1 पे डिपेंड करता है. अब Q1 अगर पॉजिटिव है तो इनर सरफेस का पोटेंशियल जो है दैट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस. और अगर इफ Q1 इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज अगर Q1 नेगेटिव हुआ, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, दैट मींस V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन, तभी जाके ये नेगेटिव बन जाएगा. 2 इज ग्रेटर देन 4, दैट मींस आउटर सरफेस का पोटेंशियल जो है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इनर सरफेस, या इनर सरफेस का पोटेंशियल इज लेस देन द आउटर सरफेस, सो V इनर इज लेस देन V आउटर, V इनर इज लेस देन V आउटर. So, Q1 पॉजिटिव है तो इनर सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है, Q1 नेगेटिव है तो इनर सरफेस का पोटेंशियल कम है इन कंपैरिजन टू द आउटर सरफेस. अब वो बात जो हमने स्टार्ट बेसिकली की थी कि अगर हम इन दो को वायर से कनेक्ट कर लेंगे तब क्या होगा. ओके, तब क्या होगा, ये मैं ऐसे रख रहा हूं क्योंकि ये हमें चाहिए. इफ वी कनेक्ट टू शेल्स बाय ए वायर, तो ये हमने वायर से कनेक्ट कर दिया. वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा, आप एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू शेल्स, इन दो शेल्स के बीच में. अब याद करें पॉजिटिव चार्ज का हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज वांट्स टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज वांट्स टू फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. ओके, अब यहां चार्जेस जो है वो एक दूसरे की तरफ फ्लो तो करना चाहती है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पाथ नहीं थी, अब आप पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, सो चार्जेस विल फ्लो. अब जरा बताइए कि कौन सी चार्ज कहां फ्लो कर लेगी और कितनी फ्लो कर लेगी, कब तक फ्लो कर लेगी. तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो ना बन जाए. इक्विलिब्रियम तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तब इक्विलिब्रियम होगा.
तब इक्विलिब्रियम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेम बनाना है, जीरो बनाना है, पोटेंशियल को सेम बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो बनाना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो बनाने के लिए क्यू वन जीरो आना चाहिए। अब आर वन और आर टू तो चेंज नहीं होंगे, वो तो फिक्स्ड है, क्यू वन जीरो बनाना है। क्यू वन जीरो बनाने का मतलब होगा सारी चार्ज जो इनर शेल पे है वो सारी फ्लो होनी चाहिए टू द आउटर शेल। सो दिस इंप्लाइज क्यू वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑल चार्ज ऑफ इनर शेल will flow to the outer shell. So Q1 जो है, सारा Q1 जो वो flow कर लेगा to the outer shell, irrespective of whether Q1 is positive or Q1 is negative, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे, वो जरा देखें। Q1 अगर positive है तो inner shell का potential ज्यादा है, outer shell का कम है। और पॉजिटिव चार्ज का हमें पता है कि इट वांट्स टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इनर का हायर टू आउटर। सो ये Q1 जो है वो फ्लो करना चाहती है टू द आउटर शेल, तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक डिफरेंस जीरो ना बन जाए। डिफरेंस कब जीरो बन जाएगा, जब Q1 जीरो होगा। सो सारी Q1 जो है दैट विल फ्लो टू द आउटर शेल। अगर Q1 नेगेटिव है, Q1 अगर नेगेटिव है तो इनर शेल का पोटेंशियल कम है, आउटर शेल का ज्यादा है। ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है अगर Q1 नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव चार्ज का हमें पता है कि इट वांट्स टू फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आएगी Q1, अगर नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आएगी, तो तब तक फ्लो होती रहेगी टू द आउटर शेल जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना बन जाए। कब जीरो बन जाएगा, जब Q1 जीरो बन जाएगा। So, दोनों केसेस में चाहे Q1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारी चार्ज जो आउटर इनर शेल की है दैट विल फ्लो टू द आउटर शेल, दैट इज ऑल चार्ज विल रिजाइड ऑन द आउटर शेल।